2 जुलाई 2004 को जब पहली बार शेन वॉटसन T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी करने उतरे वो बोल्ड हुए। उसके अगले ही इनिंग्स में वो वापस से बोल्ड हुए। ऐसा लगा था कि इस फॉर्मेट में ढलना वॉटसन के लिए नामुमकिन है, पर किसे पता था कि 16 साल बाद जब वो अपने करियर के अंत में होंगे तब वो इस फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी खिलाड़ी की वर्ल्ड के सबसे बड़े T20 लीग IPL के सफर को देखेंगे कि कैसे जहां शुरुआत में वो इस फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे थे उसे ओवरकम करके उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी। तो शेन वॉटसन की कहानी जानने के लिए हमें उनके शुरुआत को समझना बहुत जरूरी है। साल 2004 में T20 क्रिकेट के प्रचलन से पहले वॉटसन अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर के साथ साथ डेथ ओवर्स की भी जिम्मेदारी संभालते थे, पर जब यही रोल उन्हें T20 फॉर्मेट में रेप्लिकेट करने को मिला तो ये सेम टेक्निक वहां काम नहीं आई, क्योंकि ODI फॉर्मेट में मिडिल या डेथ ओवर्स में बॉल पुरानी हो चुकी होती है, पर T20 फॉर्मेट में बॉल अब भी नई और स्विंग कर रही होती है, जिसके वजह से उनका सेम टेक्निक T20 फॉर्मेट में फ्लॉप रहा। पर वॉटसन एक तगड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपनी वीकनेस को देखा और उसी हिसाब से खुद को तैयार किया, जिसका रिजल्ट उन्हें धीरे धीरे अपने गेम में दिखने लगा। 2007 ODI वर्ल्ड कप में वॉटसन के ऑलराउंड परफॉर्मेंस के वजह से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही, और यही वजह थी कि 2008 IPL के पहले सीजन में वॉटसन को राजस्थान रॉयल्स ने एज अ मार्की प्लेयर्स अपनी टीम में शामिल किया। मार्की प्लेयर्स वो होते हैं जिसे अलग अलग फ्रेंचाइज एक फिक्स अमाउंट के साथ अप्रोच कर पहले ही अपनी टीम में ले लेते हैं ऑक्शन के प्रोसेस को बाईपास करने के लिए। तो शेन वॉटसन अब IPL के दहलीज पे थे। उस पूरे सीजन वॉटसन ने बल्ले और बॉल दोनों से अपनी टीम को कई सारे मैच जिताए। बल्ले से उन्होंने 472 रन बनाया और बॉल से 17 विकेट झटका। दिल्ली के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने अकेले अपने दम पर टीम को मैच जिताया और पहले सीजन के फाइनल में एंट्री कराया। पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 52 रन की मदद से अपनी टीम को 192 जैसे मजबूत टोटल तक पहुंचाया, और जब बॉल से उसी टोटल को डिफेंड करने की बारी आई तब वॉटसन ने दिल्ली डेयरडेविल्स के ओपनर्स घातक वीरेंद्र सहवाग के साथ साथ उनके दोस्त और पार्टनर गौतम गंभीर को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया, और उनके बॉलिंग से युवा बल्लेबाज शिखर धवन भी नहीं बच पाए। दिल्ली डेयरडेविल 87 रन पे ढेर हो गई और वॉटसन को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। यहाँ पर एक सवाल है, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। वॉटसन ने अपना T20 क्रिकेट का पहला शतक किस टीम के खिलाफ मारा था, जल्दी जल्दी नीचे कॉमेंट्स में लिखिए। देखते हैं हमारी ऑडियंस सच में क्रिकेट प्रेमी है। IPL के पहले ही सीजन में जहाँ शेन वॉटसन की टीम पहली सीजन की चैंपियन बनी, उसी के साथ वॉटसन को उसी सीजन का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। साल 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वॉटसन ने T20 में पहला शतक मारा, 61 बॉल में 101 रन जिसमें 4 चौका और 6 छक्का शामिल था। साल 2013 में भी वॉटसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, लेकिन इस कड़ी को याद रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स, सेंचुरी, CSK और शेन वॉटसन। आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। तो 2014 में शेन वॉटसन अब राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान थे और वो उस सीजन के सबसे महंगे ओवरसीज प्लेयर थे। 2016 में जब राजस्थान रॉयल्स की टीम स्पॉट फिक्सिंग के केस में 2 साल के लिए सस्पेंड हुई तब वॉटसन पर पहली बार IPL ऑक्शन में बोली लगने वाली थी। यहाँ पर एक और बात है कि राजस्थान के साथ साथ एक और टीम बैन हुआ था, कौन था वो टीम? तो 2016 IPL ऑक्शन में शेन वॉटसन को खरीदने के लिए सभी फ्रेंचाइज आपस में लड़ पड़े। RCB जो टाइटल जीतने के लिए डेस्परेट थी, उसने $1.96 मिलियन में वॉटसन को अपनी टीम में शामिल किया, IPL के इतिहास का सबसे महंगा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। पर जिस उम्मीद से RCB उसे अपनी टीम में लाई थी उसका उल्टा हुआ। 2016 IPL में जब 5 साल बाद RCB फाइनल में पहुंची तो यही महंगा खिलाड़ी RCB को महंगा पड़ा। बट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। अब आया साल 2017, राजस्थान रॉयल्स के साथ एक और टीम जो थी, कौन सी टीम? चेन्नई सुपर किंग्स। ये दोनों टीम वापसी कर रही थी, पर वॉटसन इस बार राजस्थान में नहीं बल्कि धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में थे। CSK कमबैक कर रहा था, पर जिन काले दिनों से ये टीम वापसी कर रही थी उससे बाहर निकालने के लिए किसी मसीहे की जरूरत थी, और CSK को वो मसीहा मिला। उस मसीहे ने पूरे सीजन में 555 रन बनाया और सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस तब किया
जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और किस टीम के खिलाफ, जिसने 2016 आईपीएल फाइनल में इस खिलाड़ी पर एक कलंक लगाया था। एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद। 178 रन का पीछा करते हुए शेन वॉटसन ने 57 बॉल में नॉट आउट 117 रन बनाया, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। ये जीत सीएसके टीम के लिए बहुत मायने रखती थी। इस पारी और जीत ने उनपे लगा वो दाग मिटाया था और 2 साल के बैन के बाद वापसी कर रही सीएसके की टीम ने इस लीग में अपना डोमिनेंस दिखाया। और हमारे इस कहानी के हीरो शेन वॉटसन ने 2019 आईपीएल के फाइनल में वो किया जिसने उनका नाम इस टूर्नामेंट में सुनहरे अक्षरों के साथ साथ खून से भी लिख दिया। मुंबई के खिलाफ फाइनल में 149 रन के टारगेट के चेज में वॉटसन ने 59 गेंदों में 80 रन बनाया, पर फिर भी टीम 1 रन से मैच और फाइनल दोनों हार गई। डाइव मार के रन पूरा करने से उनके घुटने में चोट लगी, पर गेम की इंटेंसिटी के वजह से उनका ध्यान उस दर्द पर नहीं गया। फोटोज में ये क्लियरली देखा जा सकता है कि उनके नी से कितना ब्लड गिर रहा है। अनफॉर्चुनेटली आखिरी ओवर में भी डाइव मार के ही वो आउट हुए और सीएसके वो मैच हार गया। साल 2020 वॉटसन का आखिरी आईपीएल सीजन था। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। 2020 आईपीएल सीएसके और शेन वॉटसन दोनों के लिए बहुत ही खराब था। लीग मैचेस के एंड में सीएसके पॉइंट्स टेबल में सेकंड पोजीशन में थी, पर नीचे से कमेंट्स में बताइए कि उस सीजन पॉइंट्स टेबल में लास्ट में कौन सी टीम थी। तो ये था शेन वॉटसन का आईपीएल जर्नी। आपका शेन वॉटसन का सबसे यादगार पारी कौन सा है, नीचे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।